किसान को अपनी ही बेटी की शादी करने के लिए सरकारी तंत्रों के खाते सरकारी ऑफिसर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब पीड़ित किसान इस लायक भी नहीं रहा कि वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए स्वस्थ हो सके। जी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान की जो अपनी बेटी की शादी करने के लिए परेशान है और ऐसी होने की वजह से सरकारी तंत्रों के चक्कर लगाकर वह खुद भी अब आश्वासन हो गया है। पीड़ित किसान की बेटी की शादी 18 अप्रैल 2018 को है, लेकिन पीड़ित किसान के पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है और अपनी खेती की जमीन बेचने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काट रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित किसान जो जिला अधिकारी मथुरा के यहाँ खटिया पर बीमार हालत में लेकर आए हैं, इससे साफ पता चलता है कि पीड़ित के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है और जिला अधिकारी मथुरा के यहाँ अपनी जमीन को बेचने के लिए ऐसी समाज इतनी बड़ी समस्या सामना करना पड़ रहा है। यह तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ित बीमार हालत में भी जिला अधिकारी के यहाँ अपनी खेती को बेचने के लिए जिला अधिकारी से परमिशन मांगने को आया है। पेश है मथुरा के संवाददाता अनुरुद्ध शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या परेशानी आपको कैसे पड़ हुआ जहाँ कटिया में? मैं पड़ा हूँ, मेरे लगभग 3 साल हो गए लगाते 4 लाख तो कर्जा हो गया। लड़की शादी हो गए, शादी 18 तारीख की शादी है, 18 की मैं क्या करूँ, बोले मैं कर्जा बहुत होगा, क्या करूँ। तो आज किस लिए आए हो आप? मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे थोड़ी सी जमीन अगर फ्रीज मिल जाए तो कौन पानी को चुका दो, लड़की की शादी कर लूँ, ऐसे में मर जाऊँ तो फिर कौन खाएगा, ऐसे में कोई नहीं है मेरा। अच्छा कौन से गांव से रहने वाले हो, क्यों आए हो आज यहाँ पे आप? मतलब भाई की तबीयत खराब है सर, मतलब ये बहुत दिन से डोल रहे और मतलब कोई पर सही ना आ पा रहा, मतलब यहाँ आए तो सर मतलब यही वजह से आया कहता था, मतलब ये हमारे मतलब पर भी सर।